सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, वैसे तो धान बहुत जगह लग गया है, मगर बासमती की किस्में पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1718 और ये जो मैंने पकड़ा हुआ है धान की पौध, ये करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की वैरायटी है। इसका नाम है CSR 30। ये अत्यधिक सुगंधित है और इसका उत्पादन तो कम है, लंबे समय की है, मगर स्वाद में बहुत अच्छी होने के चलते काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। और ये जो पौध है, जिस भैया का खेत है उन्होंने अपने खाने के लिए लगाई है, तो काफ़ी लंबी हो गई है। हमने भैया से पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, अभी 1 महीने से कम समय की है कुछ, और ऊपर से काटने की मैंने बात की तो कहते नहीं, मालिक ने कहा है कि इसको काटना नहीं है। तो आइए हम दिखाते हैं कि ये पौध को कैसे निकाल रहे हैं। देखिए, ये हाथ पे मार रहे हैं तो इसमें जड़ के टूटने की संभावना कम है, मगर कभी कभी बीच में आप देखेंगे तो ये पाँव पे भी मारते हैं। ये देखिए, टांग पे मार रहा है। इसकी मैं अक्सर सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि ज़ोर से लगने पे इसमें चोट आ जाती है जड़ में, ऐसा मेरी सोच है, और उसको मैं कहा करता हूँ कि इसमें जख्म आ सकता है, और लगाने पे ये बकानी रोग दिखा सकती है। वो फफूंद का जो विषाणु हैं, स्पोर्स हैं, वो हवा में यहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। तो काफ़ी लोगों को मैंने समझाया कि इसको बाजू में हल्का सा आप मारें, तो बाजू में मारने से इसमें वो जोर नहीं पड़ता है जितना टांग में लगाने से। आगे देखो, सब भैया लोग जो हैं वो पौध को काट रहे हैं, पानी में धो रहे हैं, और हर कोई जो है वो हाथ में इसको झाड़ रहा है। तो जो भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर वो थोड़ा पीछे हो गए हैं और अभी उनको धान लगाना है, तो धान की पौध को बड़े प्यार से उखाड़ें और उसकी जड़ पे कोई चोट ना पहुंचने दें, ताकि बकानी जो झंडा रोग है वो कम से कम आए। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।